गाइस, मेरा नाम है रोटो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर रोटो। और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं जवार में और हमको बहुत टाइम हुआ है, करीब करीब 7:30 बजे हैं और हम सुबह ही निकलने वाले थे पर कोई प्रॉब्लम हुआ था इसलिए लेट हम चल रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं जवार, वहाँ एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मैंने सुना है जवार का राजवाड़ा, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत पुराना है। तो आज वही हमारा व्लॉग होगा और हम उधर जाके कुछ अंदर का प्लेस देखने वाले हैं। मैं राजवाड़ा के आसपास घूमा हूँ पर राजवाड़े के अंदर नहीं गया, तो चलो आज अंदर जाके देखते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लॉक करने वाले बस और रिक्शा से, आपके पास बाइक हो तो बढ़िया है। सो मैं जा रहा था तभी मेरे कुछ दोस्त मिल गए हैं, वो हमको आगे तक छोड़ने वाले हैं। सो बाइक छोड़ने के बाद हम वाड़ा बस स्टैंड में पहुँचे हैं। अभी हम पहुँचे हैं वाड़ा। अभी तक हमने 30% सफ़र कर लिया है और अभी तक 70% सफ़र करना है। ये रहा वाड़ा बस स्टैंड। सो गाइस, हमको जवार बस मिल गए हैं, हम अभी जवार बस में बैठने वाले हैं और डायरेक्ट जवार बस स्टॉप पर उतरने वाले हैं। हमने और वाड़ा से जवार बस पकड़ लिए, हम अभी इस जवार बस से हम वाड़ा टू जवार जाने वाले हैं। सो गाइस, हम अभी वाड़ा छोड़ रहे हैं, वाड़ा को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो हमारी बस शुरू हो चुके हैं और चलो रास्ते में देखते हैं क्या बोलते हैं। सो बस में बैठने के बाद अब बाहर का नज़रिया देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि सुबह का टाइम है और देखने का नज़रिया कुछ अलग है। वाओ, सो गाइस, बस ऊपर से जा रही है और मेरी नज़र नीचे जा रही है, क्या अच्छा सीन आ रहा है यार, मज़ा आ गया। सो गाइस, 2 घंटे के सफ़र के बाद हम आ चुके हैं जवार बस स्टैंड में। आप देख सकते हो ये जवार का बस स्टैंड है, यही उतरेगा आप और डायरेक्ट। सो गाइस, हम बस स्टैंड से उतरे और डायरेक्ट इस रोड पे आ गए और हम जाने वाले डायरेक्ट राजवाड़ा। अभी हम यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, कोई सा कोई रिक्शा। सो गाइस, हम यहाँ आ चुके हैं, ये SP में जाने वाला रोड है, ये राजवाड़े में जाने वाला रोड है, ये डायरेक्ट SP में जाता है, डायरेक्ट सीधा रोड, और ये बस स्टैंड में जाने वाला रोड है। सडनली मुझे वहाँ से रिक्शा दिख रहे हैं। सो गाइस, चलते चलते हम यहाँ आ गए अंबिका चौक के पीछे, पिछले वाले हिस्से में। यहाँ एक बहुत अच्छी पेंटिंग की है और यशवंतराव मुसने, इन्हीं का मूर्ति यहाँ पर है। तो चलो ऑटो वाले के पास चलते हैं, यहाँ एक रिक्शा है राजवाड़ा। सो गाइस, मुझे और रिक्शा मुझे मिली भी। राजवाड़े के मेन डोर पे रिक्शा वाले ने सब बता दिया है, डायरेक्ट स्ट्रेट जाना है इस रास्ते से, आपको दिखा रहा हूँ, इस रास्ते से डायरेक्ट स्ट्रेट जाना है। अगर आप
वाडा साइड से या थाना भिवंडी कल्याण साइड से आते हो तो इस रोड से आने से शिवनेरी ढाबा ऐसे करके बोला जाता है, वो शिवनेरी ढाबा तक आने का और डायरेक्ट रुक जाने का है। यहाँ पास ही ढाबा है तो वहाँ एक पास से ढाबा है तो वहाँ उतर जाने का और डायरेक्ट सीधा यहाँ आने का। गाड़ी वगैरह अंदर जाने नहीं देते, उस साइड से रास्ते से जाते हो तो गाड़ी वगैरह ले जा सकते हो, पर इस साइड से जाओगे तो गाड़ी नहीं ले जाओगे, इसलिए पैदल ही जाना क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है। और इस साइड से जब आते हो थाना कलन भिवंडी से तो यही रुक जाना, प्लीज सामने का व्यू ऐसा है। गाड़ी आपने अगर लाई है तो यहाँ ही रखना और उसके बाद पैदल चले जाना है क्योंकि व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हो वहाँ राजवाड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, पास जाके चलो देखते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ पर मैं राजवाड़े के अंदर तक गया नहीं, मतलब राजवाड़े के पास तक गया नहीं, तो वहाँ जाके कुछ शॉट लूँगा। तो फिर व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रेट रास्ता है। सो गाइज, आप यहाँ फोटोशूट के लिए भी आ सकते हो या फिर कुछ वीडियो बनाने भी आ सकते हो, शूटिंग के लिए भी आ सकते हो। बहुत अच्छा ही प्लेस है, मुझे तो रिसेंटली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि डायरेक्ट स्टेट रोड है और डायरेक्ट सामने ही राजवाड़ा का सीन नज़र आता है, तो यहाँ शूटिंग के लिए या फिर फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो हम पहुँचने वाले हैं। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो राजवाड़ा है था, ये राजवाड़ा बहुत पुराना है, कितने साल तक ये तो मालूम नहीं पर ये राजवाड़ा बहुत पुराना है। राजवाड़ा यशवंत राव मुकने इस राजा का था, अभी है या नहीं मालूम नहीं, वो राजा मर चुके हैं। ये राजवाड़ा यशवंत राव मुकने का है और वो इस जौहर के राजा थे। यू तो देख रहे हो डायरेक्ट रोड में टच होता है ये रास्ता और डायरेक्ट सीधा राजवाड़ा के दरवाजे में। तो चलो हम गाइज, आप देख सकते हैं पुराना राजवाड़ा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे कि इतना भी खराब नहीं हुआ है। मैंने सुना था कि ये बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए वहाँ कुछ काम चल रहा है वो मालूम नहीं। व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, देखने में कुछ ऐसा मन में होता है कि यार कुछ तो देख रहे हैं हम, हिस्टोरिकल प्लेस देख सकते हो ऊपर। ये देखो, मुझे अंदर भी जाना है लेकिन वहाँ 10 रुपये 1 मैन के लगते हैं 1 टिकट के। तो अंदर जाके हम सब कुछ देख सकते हैं बट फोटोशूट नहीं कर सकते, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, आते हैं देखते हैं। अंदर जाके वैसे भी फोटोशूट नहीं कर सकते तो जाके देखने में कुछ इंटरेस्ट तो है नहीं क्योंकि आपको मुझे दिखाना है सब। 10 रुपये टिकट लगता है तो 10 रुपये टिकट लेने के बाद भी वो फोटोशूट नहीं करने देते, सो नहीं जा रहा हूँ मैं अंदर क्योंकि मुझे शॉट लेने थे अंदर के। तो बाहर से व्यू दिखाता हूँ आपको। तो वहाँ से आप यहाँ आते हो
भी डायरेक्ट पिछला वाला हिस्सा शुरू होता है। और यहाँ जो व्यू है ये देख सकते हो आप, ये पिछला वाला हिस्सा है और ये व्यू देख सकते हो, वाह बहुत हवा आ रही है यहाँ। जा रही है तो चलो जाते जाके देखते हैं क्या है असली वाला हिस्सा। देखने में काफी बढ़िया है यार, कुछ हिस्ट्री प्लेस जैसा, जैसे तो हिस्ट्री प्लेस है वो, वाह और रिसेंटली पिछले हिस्से में आने के बाद वहाँ एक मंदिर दिख रहा है जो कि वो हनुमान पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ से एक रोड जा रहा है, चलो हम जाके देखते हैं। मतलब राजवाड़ा यहाँ तक बना हुआ है, ओ वाह, ये आप देख रहे हो स्तंभ जैसा दिख रहा है, ये राजवाड़ा का हिस्सा है। ओ और भी अच्छा लग रहा है, ये हमारा राजवाड़ा, लास्ट व्यू, वाह हनुमान पॉइंट है वो, देखो थोड़ा जूम कर रहा हूँ शायद आपको दिखे, वो देखो वहाँ हनुमान पॉइंट है, वहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा आता है, वहाँ भी व्लॉग करने जाएंगे। ये देखो रास्ता वहाँ आ रहे हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वाह यार मजा आ रहा है, सो गाइस जाते जाते हम राजवाड़ों को देख के जाते हैं, पूरा सीन देख के हम चलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम व्लॉग तो पूरा हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट स्टैंड पे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, राजवाड़ा बहुत अच्छा है, पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छा है, आप आ सकते हो, आप देख सकते हो, आप फोटोशूट के लिए आप ये प्लेस ठीक ठाक, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अंदर जाने का वो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजू बाजू में काजू के पेड़ हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद राजवाड़े के अंदर 10 रुपये टिकट लगता है, 10 रुपये टिकट ना ही दे तो ही अच्छा है, क्योंकि यशवंतराव मुकनी ये जवाहर के राजा थे, उनकी एक फेम है, उसके फ़ोटो नहीं निकालने देते। और सो गाइज
आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि आज एक हिस्टोरिकल प्लेस हमने देखा जो कि राजवाड़ा था। यशवंतराव मुसने ये जौहर के राजा थे, वो उन्हीं ने बनाया था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो एक पुराने ज़माने का एक महल है और महल के अंदर जाके भी हम देख सकते हैं। उसके लिए हमको 10 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद राजवाड़ा तो बहुत ही अच्छा है, आप आके देख सकते हो। मैंने वैसे बताया वैसे आ सकते हो, अगर आपके पास बाइक या कुछ कार वगैरह हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप पैदल ही आ सकते हो। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट मी, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो चलो मास्क पहना है क्योंकि साला कोरोना है, इसलिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।